अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा चीन के वामपंथी सरकार के मुखिया सी जिनपिंग का पुतला दहन वे चीन का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन नाका नंबर 5 पर किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रमुख डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि चीन का सदा आदत रहा है पीठ में छुरे भोंकने का। ड्रैगन का विस्तारवादी नीति आरंभ से रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे तिब्बत हो या हांगकांग या चीन के अन्य पड़ोसी देश, चीन हर जगह अपना विस्तारवादी नीति से कार्य कर रहा है। पूरी दुनिया शांत बैठी है। अब आवश्यकता है तिब्बत के आजादी की मांग करने का। तिब्बत जैसे ही चीन के हाथ से निकला, चीन के विस्तारवादी को करारा झटका लगेगा। अब हर भारतीय को प्रण लेना होगा कि आवश्यकता है चीनी उत्पादों का पूर्ण बहिष्कार हो, क्योंकि हमारे ही पैसा का प्रयोग चीन हमारे देश के खिलाफ कर रहा है और यह कोरोना महामारी वायरस भी चाइना का ही देन है। वह अपनी गलती मानसिकता के कारण पूरे विश्व में यह महामारी फैलने का कार्य किया है और इसे छिपाया भी है। वही इस अवसर पर संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा ने कहा कि गलवाना घाटी में भारत माँ ने अपने 20 जवानों को शहादत दिया है। भारत के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा में अपना प्राण का आहुति दिया है। देश नहीं भूलेंगे, सेना के शौर्य पराक्रम साहस को सदा याद रखेगी। चीन भूल रहा है कि यह 1962 का भारत नहीं 2020 का भारत है, जिसके सैनिक पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है।